नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए पेपर थर्ड पढ़ रहे थे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है राजस्थान में पशुधन, लाइव स्टॉक इन राजस्थान। इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो पशुधन वाला जो टॉपिक है वो आपके राजस्थान के ज्योग्राफी वाला पोर्शन में और राजस्थान की इकोनॉमी दोनों पोर्शन में ये पशुधन वाला टॉपिक दिया गया है। तो इससे आपके एग्जाम में कितने दो क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन तो ज्योग्राफी वाले पार्ट से आता है और एक क्वेश्चन इकोनॉमी वाला जो पार्ट है उससे आता है। तो ज्योग्राफी वाले पार्ट से तो मैन वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नस्ल किस पशु की है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो इकोनॉमी वाला पार्ट है उसमें से जो पशु गणना वाले डाटा हो गए या पशुओं से संबंधित योजनाएं हो गई, कार्यक्रम, इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। तो इन दोनों पोर्शन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं, ज्योग्राफी का भी कवर करेंगे और इकोनॉमी वाला पार्ट भी इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम अपन के जो इकोनॉमी वाले पार्ट में जो टॉपिक दिया गया है, ट्रेंड्स इन लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। ठीक है, तो पशुधन जनसंख्या की प्रवृत्तियां, तो इसमें मेनली पशु गणना और योजनाएं वगैरह उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 20वीं राज्य पशु गणना जो कि कब हुई, 2019 में, उसके अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन कितना है। तो 20वीं जो पशु गणना है वो कब हुई थी, 2019 में हुई थी। उसके अनुसार वर्तमान में राजस्थान में कुल पशुधन है वह 568 लाख पशु। वर्तमान में राजस्थान में कितने पशु है, 568 लाख पशु है, या ऐसे भी बोल सकते हैं 5.68 करोड़ पशुधन है। तो वर्तमान में कितने पशुधन हो गए, 568 लाख पशुधन या फिर 5.68 करोड़ पशुधन है 20वीं पशु गणना के अनुसार वर्तमान में राजस्थान में। अब हम आगे देखते हैं कि जो ये वर्तमान में जो पशुधन है कितने, 568 लाख, ये राजस्थान के जो पशुधन है इसका पूरे देश के पशुधन का कितना परसेंट है। तो राजस्थान में जो पशुधन की संख्या है वो पूरे देश के पशुधन की संख्या का कितना परसेंट है, वो है 10.60%। तो कितना है, राजस्थान में पूरे देश के 10.6% पशुधन पाए जाते हैं। तो राजस्थान में पूरे देश के कितने पाए जाते हैं, 10.6% पशुधन राजस्थान में मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में पशुधन में जो 19वीं पशु गणना थी उस टाइम राजस्थान में पशुओं की संख्या क्या थी, ज्यादा थी। 20वीं पशु गणना की गई ना, तब क्या हो गई, पशुओं की संख्या थोड़ी कम हो गई। तो 19वीं पशु गणना की तुलना में राजस्थान में पशुओं की संख्या में क्या हुई है, कमी हुई है। तो वो कमी कितनी हुई है, वो है 1.61%। ठीक है, तो 1.61 अपन याद करने के हिसाब से ऐसे पढ़ेंगे, 1.61 की जगह क्या पढ़ेंगे, 1.61। तो 19वीं पशु गणना की तुलना में राजस्थान में पशुओं की संख्या में कितनी कमी हुई है, वह है 1.61% की कमी हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं पशुधन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो पशुधन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। तो इसको एक बार वापिस देख लेते हैं, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या 568 लाख है। तो राजस्थान का कुल देश के पशुओं में कितना योगदान है, वह 10.60%। राजस्थान में 19वीं पशु गणना की तुलना में क्या हुई है, कमी हुई है, कितनी, 1.61% की कमी हुई है। पशुधन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। ठीक है, ये सभी आप डाटा आपके इकोनॉमिक सर्वे में दिए गए हैं, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में पूरे देश का कितने प्रतिशत ऊंट पाए जाते हैं, तो वह लगभग 84%। पूरे देश के लगभग 84% ऊंट कहाँ मिलते हैं, राजस्थान में। पूरे देश की लगभग 14% बकरियां कहाँ मिलती है, राजस्थान में। पूरे देश की लगभग 12% भैंस कहाँ मिलती है, राजस्थान में। पूरे देश की लगभग 10% भेड़ कहाँ मिलती है, राजस्थान में। और पूरे देश की लगभग 7% जो गायें हैं वो कहाँ मिलती है, राजस्थान में। तो ये भी याद करना है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है। तो पूरे देश के 84% ऊंट कहाँ मिलते हैं, राजस्थान में। पूरे देश का 14% बकरियां मिलती है राजस्थान में। पूरे देश की 12% भैंस मिलती है राजस्थान में। पूरे देश की 10% भेड़ मिलती है राजस्थान में। और पूरे देश की लगभग 7.24% गाय मिलती है राजस्थान में। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान का पशु घनत्व कितना है। तो राजस्थान का पशु घनत्व है 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का पशु घनत्व कितना है, 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। तो एक वर्ग किलोमीटर में राजस्थान में कितने पशु पाए जाते हैं, वह है 166। नेक्स्ट है कि राजस्थान ऊन और दूध इन दोनों के उत्पादन में पूरे देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है, पूरे देश में पहला स्थान है। ऊन हो गया और दूसरा क्या हो गया, दूध हो गया। इन दोनों के उत्पादन में राजस्थान का पूरे देश में पहला स्थान है, इंपॉर्टेंट है।
इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है, ठीक है। ऊन और दूध दोनों के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। तो राजस्थान में जो दूध का उत्पादन होता है वो पूरे देश के दूध उत्पादन का कितना उत्पादन होता है? वह है 14.63%, 14.63%। पूरे देश में जितना दूध का उत्पादन होता है उसका 14.63% उत्पादन राजस्थान में होता है। पूरे देश के ऊन उत्पादन का लगभग 42.45%, ठीक है, पूरे देश में जितने ऊन का उत्पादन होता है उसका 42% उत्पादन राजस्थान में होता है, ठीक है। तो इसको एक बार वापस देखते हैं कि पूरे देश में जो दूध का उत्पादन होता है उसका कितना परसेंट राजस्थान में उत्पादन होता है? वह है 14%। पूरे देश में जितना ऊन का उत्पादन होता है उसका लगभग 42% ऊन का उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान ऊन और दूध इन दोनों के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? राजस्थान का, वह है पहला स्थान है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद करनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं गाय। गाय सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है? वो है बीकानेर में। सबसे कम मिलती है धौलपुर और करौली में। भैंस, भैंस सबसे ज्यादा मिलती है अलवर में और सबसे कम मिलती है जैसलमेर में। नेक्स्ट है भेड़। भेड़ सबसे ज्यादा मिलती है बाड़मेर में और सबसे कम मिलती है बांसवाड़ा में। बकरी, बकरी सबसे ज्यादा मिलती है बाड़मेर में और सबसे कम धौलपुर में। नेक्स्ट है ऊंट। ऊंट सबसे ज्यादा मिलते हैं जैसलमेर, बीकानेर में और सबसे कम मिलते हैं प्रतापगढ़ में मिलते हैं ऊंट, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ पशु है और उनकी नस्लें हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो सांड चोरी किसकी नस्ल है? गाय की। कांकरेज किसकी नस्ल है? गाय की। आपसे है ना ऐसे नस्ल दे देते हैं और पूछ लेते हैं ये किसकी नस्ल है, या फिर मैच करने को दे देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो सांड चोरी नस्ल है गाय की, कांकरेज किसकी नस्ल है? गाय की। राठी किसकी नस्ल है? गाय की। सिंधी और शाहीवाल इन दोनों के संकरण से बनती है राठी नस्ल। तो राठी नस्ल किन किन के संकरण से मिलती है? सिंधी और शाहीवाल के। थार बारकर किसकी नस्ल है? गाय की। नागौरी किसकी नस्ल है? गाय की। शाहीवाल किसकी नस्ल है? गाय की। सिंधी किसकी नस्ल है? गाय की। गिर किसकी नस्ल है? गाय की। हरियाणवी किसकी नस्ल है? गाय की। मालवी किसकी नस्ल है? गाय की। मेवाती किसकी नस्ल है? गाय की, ठीक। ये सब किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। अब हम भैंस की नस्ल देखते हैं। भैंस की नस्ल कौन कौन सी है? तो मुर्रा, मुर्रा किसकी नस्ल है? भैंस की। सूरती किसकी नस्ल है? भैंस की। ये सब, ये मतलब कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, ठीक है। उन उनको ही नस्लों को हमने कवर किया है। तो मुर्रा किसकी नस्ल है? भैंस की। सूरती किसकी नस्ल है? भैंस की। जाफराबादी किसकी नस्ल है? भैंस की। भदावरी किसकी नस्ल है? भैंस की। मेहसाना किसकी नस्ल है? भैंस की। नेक्स्ट हम देखते हैं ऊंट। ऊंट की नस्ल कौन सी है? नाचना किसकी नस्ल है? ऊंट की है। गोमत, कहीं गोमत लिखा होता है और कहीं गोमट, ठीक है। तो ये गोमत या गोमट किसकी नस्ल है? ऊंट की। बीकानेरी किसकी नस्ल है? ऊंट की। जैसलमेरी किसकी नस्ल है? ऊंट की। कच्ची किसकी नस्ल है? ऊंट की। गुरहा, गुरहा किसकी नस्ल है? ऊंट की। गुरहा इंपॉर्टेंट है। गुरहा किसकी नस्ल है? ऊंट की। और मेवाड़ी किसकी नस्ल है? ऊंट की। नेक्स्ट हम देखते हैं भेड़ की नस्ल है। भेड़ और बकरी वाली नस्लें तो याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो भेड़ और बकरी वाली नस्ल, तो खेरी किसकी नस्ल है? भेड़ की है। नाली किसकी नस्ल है? भेड़ की है। चोकला किसकी नस्ल है? ये भी भेड़ की है। चोकला को क्या कहा जाता है? भारतीय मैरिनो, ठीक है। भारतीय मैरिनो नाम से कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? वो है चोकला। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो भारतीय मैरिनो किसे कहा जाता है? चोकला को कहा जाता है। चोकला का ऊन है उत्तम क्वालिटी का ऊन होता है। किसका? चोकला का। चोकला कहाँ मिलती है? शेखावटी में मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं पूगल। पूगल किसकी नस्ल है? भेड़ की। मगरा जिसे क्या कहा जाता है? चक्री भी कहा जाता है। मगरा किसकी नस्ल है? भेड़ की। सोनाड़ी किसकी नस्ल है? भेड़ की। सोनाड़ी का दूसरा नाम क्या है? चनोथर। ये भी पूछा जाता है। चनोथर किसकी नस्ल है? भेड़ की। मालपुरी किसकी नस्ल है? भेड़ की। बागड़ी किसकी नस्ल है? भेड़ की। तो एक बार वापस देख लेते हैं। खेरी, खेरी किसकी नस्ल है? भेड़। नाली किसकी नस्ल है? भेड़। चोकला किसकी नस्ल है? भेड़। मगरा किसकी नस्ल है? भेड़ की। पूगल किसकी नस्ल है? भेड़ की। सोनाड़ी किसकी नस्ल है? भेड़ की। चनोथर किसकी नस्ल है? भेड़ की। मालपुरी किसकी नस्ल है? भेड़ की। बागड़ी किसकी नस्ल है? भेड़ की। ये सब किसकी नस्ल है? भेड़ है, भेड़ की। नेक्स्ट देखते हैं बकरी। बकरी की नस्ल कौन कौन सी है? तो लोही, लोही किसकी नस्ल है? बकरी की है। बरबरी किसकी नस्ल है? बकरी की। जमुनापुरी किसकी नस्ल है? बकरी की। सिरोही नस्ल है बकरी की। जखराना किसकी नस्ल है? बकरी की। जरवाली किसकी नस्ल है? बकरी की। बड़वारी किसकी नस्ल है? बकरी की। और शेखावटी किसकी नस्ल है? बकरी की। तो लोही, बरबरी, जमुनापुरी, सिरोही, जखराना, जरवाली, बड़वारी, शेखावटी, ये सब किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है। तो ये याद करनी है, बकरी और भेड़ की तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट हम देखते हैं 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में किस पशु की संख्या सबसे अधिक है। सबसे अधिक संख्या में कौन से पशु पाए जाते हैं राजस्थान में, वह बकरी। बकरी की संख्या राजस्थान में सबसे अधिक है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। किन पशुओं की संख्या में राजस्थान का देश में पहला स्थान है, कौन कौन से पशु है जिनकी संख्या के मामले में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। ठीक है, ये दो अलग अलग चीजें हो गई कि कौन से पशु राजस्थान में सबसे अधिक मिलते हैं और दूसरा है किस पशु की संख्या के मामले में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। ठीक है, तो कौन से पशु तो सबसे अधिक मिलता है, बकरी सबसे अधिक मिलता है, और किस पशु की संख्या के मामले में राजस्थान का देश में पहला स्थान है वो देखते हैं। ऊंट, ऊंट के मामले में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। बकरी, बकरी के मामले में भी राजस्थान का देश में पहला स्थान है। और गधे, गधे के मामले में भी राजस्थान का देश में पहला स्थान है। तो इन तीन पशुओं के मामले में राजस्थान का पूरे देश में पहला स्थान है। अगला हम देखते हैं राजस्थान का दूसरा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, ये वाला प्रश्न आरएस 2023 में पूछा गया था। करंट का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, तो राजस्थान का जो दूसरा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय यानी वेटेनरी जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे स्थापित की जाएगी, वो की जाएगी जोबनेर जयपुर में। ठीक है, तो राजस्थान का जो दूसरा है सेकेंड वेटेनरी यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थापित की जाएगी, जोबनेर जयपुर में। इससे पहले राजस्थान में एक वेटेनरी यूनिवर्सिटी थी, अब कितनी होगी, वर्तमान में वेटेनरी यूनिवर्सिटियों की संख्या राजस्थान में कितनी होगी, दो होगी। तो वो कहाँ कहाँ पे है, पहली तो है बीकानेर में और दूसरी है जोबनेर जयपुर में, तो ये याद करना है। नेक्स्ट है राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, राजस्थान का राज्य पशु जो जंगली श्रेणी में तो कौन सा है, चिंकारा, और जबकि पालतू पशु श्रेणी में है ऊंट। ये दोनों चीजें याद करनी है। राजस्थान का राज्य पशु जंगली श्रेणी में तो है चिंकारा, चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है, गजेला बनेटी। वैज्ञानिक नाम भी पूछ लेते हैं कभी कभार, तो चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है, गजेला बनेटी, और इसे 1981 में राज्य पशु की मान्यता दी गई। तो राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है जंगली श्रेणी में, चिंकारा, वैज्ञानिक नाम गजेला बनेटी। ठीक है, और राजस्थान का राज्य पशु जो पालतू पशु की श्रेणी में कौन सा है, ऊंट। ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलिस ड्रोमेडेरिस, क्या है, कैमेलिस ड्रोमेडेरिस, और ऊंट को 30 जून 2014 को राज्य पशु की जो श्रेणी में रखा गया है। तो ऊंट तो कौन से पालतू पशु की श्रेणी में है, राज्य पशु है, और जबकि जो चिंकारा है वो जंगली पशु की श्रेणी में राज्य पशु है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ पशु अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, तो वो भी पूछे जाते हैं, तो अनुसंधान केंद्रों के बारे में देख लेते हैं। तो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे स्थित है, अविकानगर टोंक में। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र है अविकानगर टोंक में। नेक्स्ट है बकरी अनुसंधान केंद्र, ये भी अविकानगर टोंक में है। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, जोड़बीड़ बीकानेर में। कहाँ स्थित है, ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर में। तो ऊंट अनुसंधान कहाँ स्थित है, जोड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है, वल्लभ नगर उदयपुर में। कहाँ है, वल्लभ नगर उदयपुर में है भैंस अनुसंधान केंद्र। तो भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक में, बकरी अनुसंधान केंद्र ये भी अविकानगर टोंक में, ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ऊंट अनुसंधान केंद्र है जोड़बीड़ बीकानेर में, भैंस अनुसंधान केंद्र है वल्लभ नगर उदयपुर में। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान सूकर फार्म, ठीक है, सूकर फार्म कहाँ पे स्थित है, वह अलवर में। और पशुधन प्रजनन फार्म कौन सा है, पशुधन प्रजनन फार्म वो कहाँ है, सूरतगढ़ में। नेक्स्ट है पशुधन अनुसंधान केंद्र जो कि कोडम देसर है वो कहाँ पे स्थित है, बीकानेर में। ये सब पूछे जा चुके हैं तो इनको यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं चयनित प्रजनन कार्यक्रम जो कि राजस्थान सरकार द्वारा चला गया है, चयनित प्रजनन कार्यक्रम, इसके अंतर्गत भेड़ की कौन सी नस्लों का चयन किया गया है, वो है मारवाड़ी, जैसलमेरी और मगरा। ठीक है, मारवाड़ी नस्ल, जैसलमेरी नस्ल और मगरा। जैसलमेरी हमने देखी थी, ऊंट की भी नस्ल होती है, भेड़ की भी नस्ल है। ठीक है, तो किन किन नस्लों का इसमें चयन किया गया है, वह मारवाड़ी का, जैसलमेरी का और मगरा, इन तीन नस्लों का चयन किया गया है चयनित प्रजनन कार्यक्रम के अंतर्गत। ये वाला क्वेश्चन आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2021 में पूछा गया था। तो कौन सी नस्लों का है, मारवाड़ी का, जैसलमेरी और मगरा, इन तीनों नस्लों का चयन किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान का पशु घनत्व कितना है, वह 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का पशु घनत्व है 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में सबसे अधिक पशु घनत्व वाला जिला, तो सबसे अधिक पशु घनत्व वाला जिला है डूंगरपुर जिसका पशु घनत्व है 433। सबसे कम पशु घनत्व वाला जिला हो गया जैसलमेर जिसका पशु घनत्व है 62। तो पशु घनत्व राजस्थान का तो हो गया 166, सबसे अधिक पशु घनत्व वाला जिला हो गया डूंगरपुर, सबसे कम पशु घनत्व वाला जिला हो गया जैसलमेर।
नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला, सबसे ज्यादा पशु किस जिले में मिलते हैं, वह है बाड़मेर में, और सबसे कम पशु मिलते हैं वो मिलते हैं धौलपुर में, कहाँ मिलते हैं धौलपुर में। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस पशु की है, सबसे ज्यादा पशु कौन से मिलते हैं, बकरी, अभी हमने देखा था बकरी सबसे ज्यादा मिलती है, तो जनसंख्या के हिसाब से देख ले तो बकरी सबसे ज्यादा मिलती है, फिर गाय मिलती है, फिर भैंस, फिर भेड़ और फिर लास्ट में ऊंट मिलते हैं, तो इस हिसाब से। नेक्स्ट है राजस्थान में 2021-22 में उत्पादन, ये आप इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है तो क्या पता पूछ ले, तो इसको थोड़ा याद कर लेना कि 2021-22 में जो उत्पादन है, ठीक है, तो दूध का उत्पादन कितना हुआ था, वो है 33,265,000 टन। राजस्थान में दूध का उत्पादन कितना हुआ, 33,265,000 टन। अंडों का उत्पादन कितना हुआ, 2,688 मिलियन, कितना, 2,688 मिलियन। मांस का उत्पादन हुआ 221,000 टन, कितना, 221,000 टन। ऊन का उत्पादन देखते हैं पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना कौन सी है, पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, पहले इस योजना को क्या कहा जाता था, पशुधन निःशुल्क दवा योजना, क्या कहा जाता था, पशुधन निःशुल्क दवा योजना पहले कहा जाता था इसे, वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है, पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना कहा जाता है, वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है, पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना, पहले कहा जाता था पशुधन निःशुल्क दवा योजना कहा जाता था। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, 15 अगस्त 2012 को पशुधन निःशुल्क दवा योजना या पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2012 को, कब हुई थी, 15 अगस्त 2012 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। ये वाला क्वेश्चन आपके कॉलेज लेक्चर 2016 में पूछा गया था कि पशुधन निःशुल्क दवा योजना या पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2012 को। नेक्स्ट हम देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे में आपके कुछ डाटा दिए गए हैं तो उनको याद करना है कि जो पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना है, इस योजना हेतु कितने 138 प्रकार के, कितने 138 प्रकार के औषधीय टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं और 20 प्रकार की सर्जिकल, जो सर्जिकल चीजें हैं वो उपलब्ध कराई गई है, तो कितने 138 प्रकार के औषधीय टीके और 20 प्रकार की सर्जिकल चीजें उपलब्ध कराई गई है पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के तहत, ठीक है, कितने 138 प्रकार के तो टीके हैं और 20 प्रकार के सर्जिकल वस्तुएं हैं। नेक्स्ट है इस योजना में खर्च कितना आएगा राजस्थान सरकार का, वो है 143 करोड़ का खर्च आएगा। नेक्स्ट है इस योजना के तहत 3.22 करोड़ पशुपालकों के 10.98 करोड़ पशु लाभान्वित होंगे, ठीक है, ये तो डाटा है तो सीधा उठा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इससे क्या है, पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना में 138 प्रकार के टीके उपलब्ध है और 20 प्रकार के सर्जिकल वस्तुएं निःशुल्क उपलब्ध है, इसमें खर्चा राजस्थान सरकार का आएगा 143 करोड़ का और इसके अंतर्गत 3.22 करोड़ पशुपालकों के 10.98 करोड़ पशु वो लाभान्वित है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब आपके बजट में कुछ लिखा गया है, 2023-24 का जो बजट है ना उसमें क्या घोषणा की गई है, उसमें कहा गया है कि जो पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना कौन सी, पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना, इस योजना में सभी प्रकार के टेस्ट क्या है, सभी प्रकार के टेस्ट FMD, ब्रुसेला तथा PPR इनको भी शामिल कर दिया गया है 2023-24 के बजट में। ये कहा गया है कि पशुधन आरोग्य योजना में सभी प्रकार के टेस्टों को, FMD को, ब्रुसेला तथा PPR इनके टीकों को भी शामिल किया गया है। और पहले क्या था, इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, उसका रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाता था और जो ये रजिस्ट्रेशन शुल्क है इसको भी समाप्त कर दिया गया है 2023-24 के बजट में, तो ये चीजें याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम भेड़ व बकरी नस्ल सुधार योजना, क्या है, भेड़ व बकरी नस्ल सुधार योजना, यह योजना राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत चलाई गई है, कौन सी, राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत। इसमें केंद्र व राज्य का हिस्सा कितना है, केंद्र का हिस्सा तो 60 और राज्य का हिस्सा 40। नेक्स्ट हम देखते हैं बकरी पालकों के लिए प्रदर्शनी प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करके उच्च गुणवत्ता वाले नर व मादा बकरी का चयन किस योजना में किया जाता है, वह है कौन सी योजना होगी, भेड़ एवं बकरी नस्ल सुधार योजना, ठीक है। तो इसमें क्या है, बकरी पालकों के लिए प्रदर्शनी प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करके उच्च नस्ल वाले नर व मादा बकरी का चयन किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऊंट संरक्षण योजना, क्या है, ऊंट संरक्षण योजना, तो ये योजना किसके लिए चलाई गई है, ऊंट संरक्षण को बढ़ावा देने या ऊंट प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए ये योजना चलाई गई है, ऊंट संरक्षण योजना। इसमें क्या है, ऊंट पालकों को टोडियों के जन्म पर, टोडियों मतलब जो ऊंट के बच्चे होते हैं वो, उनके जन्म पर 2 किस्तों में 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। ऊंट संरक्षण योजना में ऊंट पालकों को टोडियों के जन्म पर
दो किस्तों में कितनी 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इससे 50,000 ऊंट पालक क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। और इस योजना का खर्चा आएगा 2.5 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा राज्य सरकार का। नेक्स्ट हम देखते हैं किसान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे खोला जाएगा, वो खोला जाएगा नाथद्वारा राजसमंद में, और जैव सुरक्षा प्रयोगशाला 3, ठीक है, BSL 3, तो वो कहाँ खोली जाएगी, जयपुर में। ये आपके लिखा गया है इकोनॉमिक सर्वे में, तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पशु मित्र योजना, कौन सी योजना है, पशु मित्र योजना, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। पशु मित्र योजना, ये योजना कब इसकी शुरुआत की गई, यह है 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा की गई है पशु मित्र योजना की। इस योजना के तहत क्या है, पशुपालकों को डोर स्टेप पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जैसे टैगिंग, टीकाकरण, बीमा, कृत्रिम गर्भधारण इत्यादि की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए योजना चालू की गई है, वो है पशु मित्र योजना। ठीक है, तो इसमें क्या है, पशुपालकों को उनके डोर स्टेप पर, ठीक है, कौन कौन सी योजनाएं, टैगिंग, टीकाकरण, बीमा, कृत्रिम गर्भाधान, इन सभी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। किस योजना के तहत, पशु मित्र योजना के तहत। इस योजना के तहत 5,000 पशु मित्रों का चयन किया जाएगा और जिसमें खर्चा आएगा 20 करोड़ रुपए का, तो ये इम्पोर्टेंट है पशु मित्र योजना। नेक्स्ट हम देखते हैं मछली मत्स्य, तो मत्स्य भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो मत्स्य मछली में देखते हैं राजस्थान में 2022-23 में कुल मत्स्य का उत्पादन कितना हुआ, वो है 34,336 मैट्रिक टन। कितना है, 34,336 मैट्रिक टन मछलियों का उत्पादन हुआ राजस्थान में 2022-23 में। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मत्स्य शिक्षण संस्थान जो कि बूंदी मुंबई में है, उसके सर्वे के अनुसार राजस्थान में वार्षिक मछली उत्पादन की क्षमता कितनी है, वह 80,000 मैट्रिक टन। तो उसके अनुसार तो एक साल में कितनी मछलियां उत्पादित हो सकती है, वह है 80,000, जबकि वर्तमान में कितनी मछलियों का उत्पादन हो रहा है, वह 34,000 के आसपास, 34,000 मैट्रिक टन के आसपास, ठीक है, और क्षमता कितनी है, वह है 80,000 मैट्रिक टन, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि सजावटी या रंगीन मछली प्रजनन इकाई तथा एक्वेरियम गैलरी का निर्माण कहाँ किया गया है, वह बीसलपुर टॉक में। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सजावटी या रंगीन मछली प्रजनन इकाई तथा एक्वेरियम गैलरी का निर्माण किया गया है बीसलपुर टॉक में। नेक्स्ट है, ये इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट वाला, ये क्योंकि आपके बजट में लिखा गया है, तो खारा पानी, ठीक है, खारा पानी जिसे क्या कहा जाता है, ब्रैकिश वाटर, खारा पानी को क्या कहा जाता है, ब्रैकिश वाटर एक्वा कल्चर लैब कहाँ पे खोली जाएगी, खोली जाएगी चूरू में। तो खारा पानी एक्वा कल्चर लैब खोली जाएगी कहाँ, खोली जाएगी चूरू में। खारा पानी एक्वा कल्चर लैब खोली जाएगी चूरू में, ब्रैकिश वाटर एक्वा कल्चर लैब कहाँ खोली जाएगी, चूरू में। तो ब्रैकिश वाटर एक्वा कल्चर लैब में क्या होगा, श्रिम्प या झींगा मछली के पालन हेतु इस लैब का निर्माण किया जाएगा। तो खारा मछली या ब्रैकिश वाटर एक्वा कल्चर लैब खोली जाएगी चूरू में, इसमें क्या है, श्रिम्प या झींगा मछली के उत्पादन के लिए उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं शून्य राजस्व क्या है, शून्य राजस्व आजीविका मॉडल। नेक्स्ट क्या है, शून्य राजस्व आजीविका मॉडल, ये किसके द्वारा चलाया गया है, मत्स्य विभाग के द्वारा। इसमें क्या है, आदिवासी मछुआरों के लिए चलाया गया है, किसके लिए, आदिवासी मछुआरों के लिए चलाया गया है। ये राज्य में 3 जगह चलाया गया है, एक तो जयसमंद उदयपुर में, दूसरा माही बजाज सागर बांसवाड़ा में, तीसरा है कडाना कडाना जो वाटर बैंक डूंगरपुर में। 3 जगह चलाया गया है शून्य राजस्व आजीविका मॉडल, आदिवासी मछुआरों के लिए चलाया गया है राज्य जयसमंद उदयपुर में, माही बजाज सागर बांसवाड़ा में, तथा कडाना वाटर बैंक डूंगरपुर में चलाया गया है। अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो।